नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी इंडियन रेलवे में जॉब पाना चाहते हो तो आपको देना होगा सरकारी एग्जाम, उसके बाद ही आप इंडियन रेलवे में सरकारी नौकरी पा सकते हो। तो चलिए दोस्तों, मैं बताता हूँ कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं इंडियन रेलवे में। अगर दोस्तों आप 10th पास हो, केवल आपने 10th पास कर रखा है, तो आप जा सकते हो ग्रुप डी में। अगर आपने 10th के साथ ITI या डिप्लोमा किया हुआ है तो आप ALP यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट बन सकते हो और टेक्नीशियन का फॉर्म भी भर सकते हो आप। अगर आपने 12th किया हुआ है तो 12th वालों के लिए काफ़ी सारे ऑप्शन है इंडियन रेलवे में, जैसे कि पहले TNC, CCTC, जैसे TT के नाम से भी आप लोग जानते हैं, TT कह लीजिए, TC कह लीजिए, अब इसका नाम चेंज करके CCTC कर दिया है, जूनियर क्लर्क। उसके बाद ट्रैफिक असिस्टेंट, टाइम कीपर, कुछ ये पोस्ट हैं जो 12th के बाद आप अप्लाई कर सकते हो। नॉर्मल 12th चाहिए, कोई भी 12th व्यक्ति, चाहे उसने साइंस एड लियो, चाहे कॉमर्स लियो, चाहे PCB हो, PCM हो, कुछ भी हो उसके पास, चाहे आर्ट्स से 12th किया हो, वो भी अप्लाई कर सकता है। कोई भी 12th वाला इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। और उसके बाद आती है ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन में आता है ट्रेन मैनेजर। ट्रेन मैनेजर जिसको पहले आप गार्ड के नाम से भी जानते थे, अब उसका नाम चेंज करके ट्रेन मैनेजर कर दिया है। 2800 ग्रेड पे की पोस्ट होती है। उसके बाद आता है SM, स्टेशन मास्टर, 4200 ग्रेड पे की पोस्ट होती है, जो कि स्टेशन को संभालते हैं पूरे को। उसके बाद आता है सीनियर CCTC, सीनियर क्लर्क, सीनियर टाइम कीपर और कमर्शियल अप्रेंटिस, JAA, जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट और ट्रैफिक अप्रेंटिस। कमर्शियल अप्रेंटिस और ट्रैफिक अप्रेंटिस, ये ग्रेजुएशन वाली पोस्ट होती है, तो ग्रेजुएशन वाले ये सब बन सकते हैं। तो दोस्तों तैयारी करो, मन लगा के आपका सिलेक्शन जरूर होगा। अगर आप इंडियन रेलवे में सपना देख रहे हैं सरकारी नौकरी का, तो इंडियन रेलवे में साथ ही साथ में प्राइवेट जॉब्स भी दोस्तों निकलती रहती हैं, प्राइवेट जॉब्स। अब प्राइवेट जॉब के बारे में भी बता देता हूँ, इंडियन रेलवे में प्राइवेट जॉब्स को दोस्तों आप IRCTC की वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हो। IRCTC के थ्रू ही इंडियन रेलवे में प्राइवेट जॉब निकलती हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट दे देता है, कुछ कंपनीज भी हायर करती हैं, और इसमें केवल इंटरव्यू होता है और कुछ भी नहीं होता है।